फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए माय सेल्फ यानी खुद के बारे में ऐसे लेके आए हुए हैं। फ्रेंड, अभी हम इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का अंग्रेजी का हिंदी करेंगे, जिससे आपको आसानी से अंग्रेजी का हिंदी करने आएगा। और दोस्तों, यदि आपको अभी तक अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होता है यानी अंग्रेजी जो लिखा रहता है उसको अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो ये सही वीडियो पर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ का अर्थ होता है खुद के बारे में, और ऐसे ऐसे का अर्थ होता है निबंध, यानी अभी अपने बारे में निबंध के बारे में हम अंग्रेजी का हिंदी करने जा रहे हैं। एक नंबर में है दोस्तों, माय नेम इज आलोक शर्मा। माय का अर्थ होता है मेरा, नेम का अर्थ होता है नाम, इज का अर्थ होता है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा नाम है, यानी मेरा नाम आलोक शर्मा है। दो नंबर में है, आई एम ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। आई का अर्थ होता है मैं, एम का अर्थ होता है हूँ, ए का अर्थ होता है एक, 10 ईयर ओल्ड बॉय यानी 10 वर्ष का लड़का, यानी मैं एक 10 वर्ष का लड़का हूँ। इसका तीसरा नंबर में है, I study in 4th grade। I study का अर्थ होता है अध्ययन करना, और I का अर्थ होता है मैं, यानी मैं अध्ययन करता हूँ। इन का अर्थ होता है मैं, 4th grade यानी चौथे जो ग्रेड है इसमें मैं अध्ययन करता हूँ या इसमें मैं पढ़ाई करता हूँ। चौथा नंबर है, I study in Vijay school। I study मैं अध्ययन करता हूँ, इन का अर्थ होता है मैं, विजय स्कूल यानी विजय स्कूल में मैं अध्ययन करता हूँ। इसका पांचवा नंबर है दोस्तों, I live in Delhi with my family। I का अर्थ होता है मैं, लिव का अर्थ होता है रहना यानी मैं रहता हूँ, इन का अर्थ होता है मैं, दिल्ली यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ, विथ का अर्थ होता है साथ, माई फैमिली मेरे परिवार यानी मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता हूँ। माई फादर इज ए टीचर। माई फादर का अर्थ होता है मेरे पिता, इज का अर्थ होता है एक डॉक्टर, ए डॉक्टर का अर्थ होता है एक डॉक्टर यानी मेरे जो पिता हैं एक डॉक्टर हैं। माई मदर इज ए टीचर। माई मदर का अर्थ होता है मेरी माँ, इज का अर्थ होता है ए टीचर एक शिक्षक यानी मेरी माँ एक शिक्षक है। माई बर्थडे फॉल ऑन 21st May यानी मेरा जो बर्थडे है, मेरा जो जन्मदिन है ये 21 मई को आता है। फॉल ऑन का अर्थ होता है आना यानी मेरा जो जन्मदिन है ये 21 मई को आता है। I like to eat simple food। मैं पसंद करता हूँ ईट का अर्थ होता है खाना यानी मैं खाना पसंद करता हूँ, सिंपल फूड यानी साधारण खाना मैं पसंद करता हूँ। इसका दसवां है दोस्तों, माई हॉबीज आर रीडिंग। मेरा जो हॉबीज है यानी मेरा जो आदत है रीडिंग यानी पढ़ने का आदत है, डांसिंग यानी नाचने का, एंड प्लेइंग स्पोर्ट और खेल खेलने का, यानी वो जो लड़का जो है आलोक वो बोल रहा है कि मेरा आदत है रीडिंग यानी पढ़ने का आदत है, नाचने का, और प्लेइंग स्पोर्ट, स्पोर्ट का अर्थ होता है खेल, और खेल खेलने का मेरा आदत है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में आपको अंग्रेजी का हिंदी करने आया होगा। इसी प्रकार से हम बहुत सारे वीडियो अंग्रेजी पढ़ने में लाते हैं, आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोज को आप देखें, आपको अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा।